और हिट एंड रन के नए नियमों के विरोध में टैक्सी यूनियन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर नाडोल में भी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विनोद गुरेशा की अध्यक्षता में एक दिन की हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कानून लागू किए जाने को लेकर ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं टैक्सी यूनियन की हड़ताल की वजह से आम नागरिकों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हमारा मुख्य मुद्दा है जो सरकार ने काला कानून बनाया ड्राइवर के लिए कि एक्सीडेंट होता है तो वहां पे ड्राइवर को मौजूद खड़ा रहना है और उसको मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो कानून तो अच्छा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर की क्या है ये सेफ्टी जवाबदारी कि उसको पब्लिक है, पब्लिक ने मारा थोड़ा भटका मारा उसका, तो उसका क्या, तो उसके फैमिली का क्या? 7 साल की सजा है तो ड्राइवर के घर पे कोई इतना रहता नहीं है कि वो 7 साल घर पे बैठ बैठे खाएंगे। तो सरकार से हमारा ये कहना है कि आपने जो कानून बनाया है तो उसके लिए ड्राइवर के लिए भी कुछ बनाए कि भाई ड्राइवर पीछे रहता है, उसके हाथ पांव तोड़ दिया तो सरकार इतना देगी, उसको खाने कमाने से छोड़ दिया तो इतना देगी, और उसको मार दिया तो उसके फैमिली को इतना देगी, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए।